जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन मुख्यतः बात करेंगे आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, और जो अपन ने पोल क्रिएट किया था एक तो अपने टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब कम्यूनिटी में, तो मैं पूरा डाटा उसका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कितने कितने नंबर, कितने कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स के यहाँ पे हैं, और फिर अपन उसकी कट ऑफ निर्धारित करेंगे कि लगभग ये कट ऑफ उस पोल के अनुमान ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो आज अपनी मुख्य कट ऑफ होगी वो होगी आपकी कॉन्स्टेबल जीडी नॉन टीएसपी एरिया मेल एंड फीमेल। एक इस वीडियो में केवल अपन कॉन्स्टेबल जीडी की ही यहाँ पे बात करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे आपकी टेली कम्युनिकेशन ड्राइवर की और टीएसपी एरिया की। इन सब की अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए अपन केवल इसमें कॉन्स्टेबल जीडी की यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनकी संख्या बहुत कम है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देख सकते हैं 80 ऐसे अपने साथी हैं जिन्होंने अपने चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आपसे कृपया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं दोस्तों क्या है वो डाटा, और मैंने पूरा उसका एनालिसिस किया है और आप भी देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा साइड में। सबसे पहले मैं बात करूँ कॉन्स्टेबल जीडी की, अपन सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, और वो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो पोल अपन ने क्रिएट किया था उसका डाटा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 110 नंबर से अबाव नंबर हैं। मैं दोस्तों वही डाटा आपको बता रहा हूँ जो डाटा आप सब ने बताया है, यहाँ पे पोल के अनुसार आपने वोट किया है। अब हो सकता है इसमें किसी ने ईमानदारी से भाग नहीं लिया हो, इसको देख के आपको ज़्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल ये अपने जो पोल है उसका रिजल्ट है। इसकी कट ऑफ भी मैं बताऊंगा, एक्चुअल कट ऑफ और जो विद्यार्थियों के नंबर किस रेंज के आसपास में है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये तो आप खुद जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे लगभग 1500 विद्यार्थियों ने यहाँ पे पोल में भाग लिया था, और उसमें से अगर मैं बात करूँ जो 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100+ नंबर हैं, 10% यानी कि मेल कैंडिडेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टेबल जीडे की मैं बात कर रहा हूँ, और 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 100+ नंबर हैं। अब ये मत सोचना कि ये केवल एक ही ज़िले के विद्यार्थी है, इसमें सभी ज़िले के विद्यार्थी यहाँ पे सब ने भाग लिया है, क्योंकि अलग अलग ज़िले से दोस्तों पोल क्रिएट करना पॉसिबल नहीं था, और उसका एनालिसिस करने में भी बहुत टाइम यहाँ पे बैठ जाता है। तो मैं बात करूँगा, अब आपका सवाल होगा कि सर आप एनालिसिस कैसे करोगे इसका, तो मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे मीडियम ठीक ठाक सी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपना डाटा रहेगा, और उसके लगभग रेशियो में ही आप सबकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कंपटीशन कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ से एक सीट है तो उतने ही विद्यार्थी वहाँ भी है, क्योंकि ये कोई प्री एग्ज़ाम तो है नहीं कि जहाँ से मतलब विद्यार्थियों के रेशियो में यहाँ पे फ़र्क आने वाला है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर जगह से लगभग 15 गुना विद्यार्थी पास किए गए थे, और फिजिकल में लगभग एक सीट पे 5 और 6 विद्यार्थियों का यहाँ पे कंपटीशन बचा हुआ है, 5-6 विद्यार्थियों का ही कंपटीशन है, और लगभग हर जगह से यही रेशो रहने वाला है। तो इसमें यह इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपके मतलब वहाँ से स्टूडेंट ज़्यादा है वहाँ से कम है, वो पोस्टों के अकॉर्डिंग ही हर जगह से स्टूडेंट बचे हुए हैं। हाँ, उसमें यह हो सकता है कि कहाँ से ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका फ़र्क वहाँ पे ज़रूर पड़ेगा। और तो फिर आप देखिए 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100+ यहाँ पर नंबर हैं, और 90% ऐसे स्टूडेंट बच गए अपने पास में जिनके 100 से नीचे नंबर हैं, 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100 से नीचे नीचे नंबर हैं, और 80% अगर बात करें अपन, 80% स्टूडेंट अपने पास में ऐसे बचते हैं जिनके 95% से नंबर, सॉरी दोस्तों परसेंट नहीं, 95 नंबर से यहाँ पे नंबर कम है, यानी कि 95 तक नंबर है, यानी कि 95 नंबरों तक जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है 80%। तो ये डाटा आपके सामने है। फिर मैं बात करूं
यूट्यूब की पोल की, यूट्यूब में किस प्रकार का रेशियो आपका बैठ रहा है, वही जनरल मेल कैंडिडेट कॉन्स्टेबल जीडी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वही है 9% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 110 अबाउ नंबर है और 18% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 100 से लेकर 90 नंबरों के बीच में आपके नंबर हैं। फिर है 29% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 85 से 90 के आसपास में जो नंबर हैं, 90 तक उनके नंबर हैं, यानी कि कुल मिला के यह है जिनके 100 नंबर तक स्कोर है, 100 तक जिनका स्कोर है उनकी संख्या है आपकी यहाँ पे 92% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 100 के नीचे नीचे आपका स्कोर है, यानी कि कुल मिला के बात यह है दोनों जो पोल क्रिएट किए अपन ने, यानी कि यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों में लगभग सेम सी बात है, 90% विद्यार्थियों का स्कोर 100 से नीचे नीचे है। अब अगर मैं कट ऑफ की यहाँ पे बात करूँ, जनरल मेल कॉन्स्टेबल जीडी की मैं एवरेज कट ऑफ की बात करूँ, तो दोस्तों ये आपको काफ़ी बुरा भी लग सकता है लेकिन ये वास्तविक सत्य है, क्योंकि ये पोल के अकॉर्डिंग है और आपने जूनियर अकाउंटेंट की अभी जो आपका रिजल्ट आया 2 गुना का, उसमें भी आपने देखा होगा कितनी कट ऑफ गई, और जब पेपर लगा जूनियर अकाउंटेंट का उस टाइम आपने देखा होगा पेपर इस प्रकार का लेंथी पेपर था, लोगों को पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही थी, पेपर पूरा ही नहीं पढ़ा जा रहा था और पेपर पूरा अटैम्प्ट भी नहीं हुआ, इस प्रकार का पेपर था। और लोगों ने क्या बताया, जिसके 40-40% नंबर है उसका आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 555 के आसपास में जाके कट ऑफ यहाँ पे लगी है, तो आप देख सकते हैं कि कितना हाई कंपटीशन था। और दूसरी अगर मैं आपके यहाँ पे फैक्टर की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट किसका हुआ है, जिन्होंने मैथ के वो 15-16 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे किए हैं, 15-16 अगर क्वेश्चन होंगे तो जिनको थोड़ी बहुत भी मैथ आती है वो आराम से 12-13-11 यहाँ पे क्वेश्चन जरूर यहाँ पे अटेंड किया है, और इस वजह से ही वो यहाँ प्लस पॉइंट में जरूर रहा होगा। अब आप कहते हैं कि सर वो तो मैंने कमेंट में भी देखा है, कई विद्यार्थियों का था इस कमेंट कि सर वो तो और कम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, एसएससी में बहुत विद्यार्थी एग्जाम देते हैं और उनमें सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो फिर वो इधर मूव करते हैं। अब मैं आपको कट ऑफ बताऊँ, देखो दोस्तों कट ऑफ मैं केवल इसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, पोल के जो डाटा है उसके अनुसार ही मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कट ऑफ सही होगी, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो सकता है इससे ऊपर चले जाए, हो सकता है इससे डाउन आ जाए, केवल मैं आपको जो मोटा मोटा सिनेरियो है वो मैं केवल यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जनरल मेल की, जनरल मेल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं 2 कैटेगरी में यहाँ पे आपके कट ऑफ बताऊंगा जो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकता है, अगर किसी के, क्योंकि जनरल और ओबीसी को मैं एक साथ ही यहाँ पे लेना चाहूँगा, जनरल ओबीसी एक ही कैटेगरी में लेना चाहूँगा, मुश्किल से इनका मार्जिन रहता है 1 या 2 नंबर का। अगर दोस्तों मैं जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, जिसके 100 से लेकर 105 नंबर तक हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, और जिसके अगर 95 से अबाव नंबर हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा अपने आप को मान सकते हैं कि मैं भी अभी रेस में हूँ, पूरी तरीके से मैं बाहर नहीं हुआ हूँ, जिसके इसी प्रकार से आपकी ST SC MBC की है, क्योंकि OBC की और MBC की भी लगभग एक सी यहाँ पे कट ऑफ रहती है, OBC से 1-2 नंबर डाउन MBC की रहती है और OBC की कट ऑफ जनरल से 1-2 नंबर डाउन रहती है। फिर मैं बात करूँ ST SC की, ST SC में जिसके नंबर अगर 95 से 100 के बीच में है वो सुरक्षित यहाँ पे अपने आप को मान सकता है, और जिसके नंबर 90 से लेकर 95 तक है वो अपने आप को यहाँ पे रेस में मान सकते हैं। और इसी प्रकार EWS की अगर मैं बात करूँ, जिसके 90 के आसपास नंबर है तो वो अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित मान सकता है कि मैं हाँ सेफ जोन में हूँ। ये तो हो गई आपकी मेल कैंडिडेट की, कॉन्स्टेबल जीडी की। और इसी प्रकार अगर मैं फीमेल की बात करूँ, यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि अगर टेलीग्राम चैनल का जो स्कोर है, और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपका यूट्यूब का, क्योंकि 1000 के लगभग यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे वोटिंग हुई है और 90 तक जो स्कोर हो रहा है वो लगभग 70% फीमेल का यहाँ पे स्कोर हुआ है, और 90 से जो 100 तक का स्कोर हुआ है, 100 क्वेश्चन तक है वो है 85 के लगभग। अब पता नहीं उन्होंने सही बताया है या गलत बताया है, लेकिन मैं जो आपने आंकड़े यहाँ पे बताए हैं वही आंकड़ा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और इसी प्रकार टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जैसे 16% तो ऐसी यहाँ पे लड़कियाँ हैं जिनके नंबर 70 से कम हैं, और फिर है
80% के नंबर आ रहे हैं 95 नंबर तक, यानी कि 95 नंबर तक 80% जो महिलाएं हैं उनके यहाँ पे नंबर है। और इसी प्रकार अगर मैं आपकी कट ऑफ की बात करूँ कांस्टेबल जीडी फीमेल कैटेगरी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अगर जनरल की अपन बात करें तो जिसके अबाउ 90 के आसपास में नंबर है तो वो अपने आप को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकती है। और इसी प्रकार अगर जिसके 80 से लेकर और अगर 85 तक हैं वो भी यहाँ पे रेस में हैं। फिर अगर मैं बात करूँ ओबीसी और एमबीसी की, अगर मैं बात करूँ तो सेम कट ऑफ वही जनरल की यहाँ पे सेम कट ऑफ रहने वाली है। और इसी प्रकार अगर मैं एसटी एससी फीमेल कैटेगरी की यहाँ पे बात करूँ तो जिनके नंबर और जिनके 85 हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है यहाँ पर। और इसी प्रकार अगर जिनके नंबर 75 प्लस है और 80 तक नंबर हैं वो अपने आप को रेस में मान सकती है, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे बार नहीं है। और इसी प्रकार अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो जिनके नंबर 70 प्लस नंबर है और 75 नंबर तक है उनके, वो अपने आप को यहाँ पे रेस में समझे कि मैं रेस में हूँ। तो दोस्तों ये कट ऑफ थी आपकी कांस्टेबल जीडी की मेल और फीमेल कैंडिडेट की। वही कट ऑफ मैंने आपको बताई है जो जिस अनुसार आपने वोटिंग की है उसके अनुसार ही मैंने यहाँ पे आपकी कट ऑफ बताई है। और लगभग ओबीसी कैटेगरी मान के चलिए जिनके 100 के आसपास में नंबर है उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और ये बिल्कुल सत्य बात है क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट फंसते हैं, जहाँ पे ज़्यादा नंबर का सिनेरियो रहता है, जैसे 90 से लेके 100 के बीच में बहुत से विद्यार्थियों के यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ कट ऑफ कभी भी आपकी नहीं लगने वाली, उससे प्लस ही कट ऑफ हमेशा लगती है। क्योंकि 90 के आसपास में बहुत विद्यार्थियों का यहाँ पे स्कोर हो रहा है। और अगर फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 80 से लेकर 90 के बीच में बहुत सी फीमेल यानी कि महिलाओं का यहाँ पे स्कोर हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आपकी कट ऑफ। और आपका एक सवाल था कि सर जो जिसके साथ में आपने एक बार वीडियो बनाया था सुगना राम जी डाका, उनका क्या स्कोर है? दोस्तों उनका पूरा नेगेटिव मार्किंग हटा के उनके 105 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने अजमेर जिले से फॉर्म भरा था और 105 नंबर वहाँ पे उन्होंने स्कोर किया है, तो ये उनका स्कोर था। और ये आपकी कट ऑफ थी। बाकी की कट ऑफ मैं आपको कल वीडियो में बताऊँगा पूरी की पूरी। ये केवल मैंने कांस्टेबल जीडी की बताई है और ये पोस्टों के अनुसार यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है। जहाँ पोस्ट कम है ज़्यादा है उसके अनुसार कम या ज़्यादा रहेगी, लेकिन एवरेज स्कोर आपका यही है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।